बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्ला। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए छठा स्टेप, हाउ टू मेक स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल, उस पर हम आज नजर दौड़ाएंगे। उस पर हम उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपने गूगल में टाइप करना है सीएस गाइड ऑफिशियल, ठीक है। जैसे ही आप सीएस गाइड ऑफिशियल टाइप करेंगे, पहले ही लिंक पे आपने कर देना है क्लिक। सीएस गाइड ऑफिशियल डॉट कॉम हमारी वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। ये स्टेप होगा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइना स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2025-2026, इस पे आपने कर देना है क्लिक, ठीक है। यहाँ पे छठा स्टेप, आज हम इस स्टेप के बारे में जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दो तीन स्टेप बनाने की मैं कोशिश करूंगा और इसके बाद फिर क्वेश्चन एंड आंसर, जो आपके डेली रूटीन क्वेश्चन होंगे, बेसिक क्वेश्चन जो भी होंगे, वो इंशाल्लाह उस पर सीरीज हम एक बनाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर की। अगर आप वो सारी चीजें फॉलो करते आएंगे, आप एट द एंड आपको इंशाल्लाह सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि आपने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे आपने बनाना है, बनवाना है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और आपको यहाँ पे इस स्टेप में मसला आता है। स्टडी प्लान, सबसे पहले फॉलोइंग इज स्टडी प्लान फॉर चाइना स्कॉलरशिप, यू मस्ट यूज दिस, यू कैन यूज दिस फॉर योर स्टडी प्लान व्हाइल अप्लाइंग। इफ यू डोंट हैव एनी स्टडी प्लान देन यू कैन यूज दिस। सबसे पहले, अगर तो आपका कोई रिसर्च टॉपिक है ऑलरेडी, आपने एम फिल में वर्क किया है, आपका एक प्रॉपर रिसर्च है टॉपिक जिस पे आप वर्क करेंगे और आपका प्रोफेसर भी आपने वो कहते हैं कि इसी रिसर्च से रिलेटेड हो, बैकग्राउंड स्टडी बैकग्राउंड से, तो फिर आप अपने हिसाब से उस पे वर्क करें। अगर आपने वर्क नहीं किया, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जीरो है इस मामले में स्टडी प्लान के हवाले से, तो फिर आप ये वाला सैंपल यूज कर सकते हैं। आप अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो चैट जीपीटी आजकल आपको सही आपको बना देगा, जो जो चीजें हैं वो आपको सारी चीजें उनसे पूछ लीजिएगा, तो चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। जब हमने अप्लाई किया तो उस वक्त चैट जीपीटी नहीं था, ठीक है। स्टडी प्लान, आई एम मिस्टर परफेक्ट, स्टडी प्लान में ये सारी चीजें, सैंपल वन, दो सैंपल है, मैं अब इसमें बताऊंगा। रिसर्च प्रपोजल भी इसी तरह का ही, आप मतलब के उसमें डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है वो यहाँ स्टडी प्लान से, तो उसमें आपने स्पेसिफिक कुछ ना कुछ डिस्कस करना होता है कि आप स्टडी प्लान की क्या क्या करेंगे ये वो। स्टडी प्लान में इसका सैंपल आई थिंक दिया हुआ होगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं देखता हूँ नीचे, हाँ यहाँ से, यहाँ पे फॉर्मेट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अलग अगर डाउनलोड हो जाए, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड हो गया वो आप देख लीजिएगा। मेन चीज के पहले पहले आपने क्या करना है स्टडी प्लान में, आपने अपना बताना है कि इंट्रोड्यूस अपना बैकग्राउंड वो करना है। आई एम मिस्टर आई एम डन माय बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, लिए ये वो सारी चीजें, ठीक है। ये आप ने स्टडी प्लान के बाद ये आपने लिख देना है इंट्रोडक्शन। आप काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेम टू सेम वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ आपकी वेबसाइट से डाउनलोड किया था, उसी को फॉलो किया था और हमारी स्कॉलरशिप लग गई थी, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। बाकी चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे, जब जैसे जैसे सवालों के जवाब आप, मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वहां पे काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये मेन थीम और मेन आपको डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ से कि आपने कैसे आपने बनाना है स्टडी प्लान। इंट्रोडक्शन ऑफ माय बैकग्राउंड, आपने अपने इंट्रोडक्शन देना है ये सारी चीजें, ठीक है, अपना आई एम बोर्न स्मॉल सिटी तौसा शरीफ एंड अर्बन ये डीजी खान, ये वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से जो भी है कर लीजिएगा, ओके हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे बाय फैक्ट आई एम सोशली एक्टिव पर्सन, मतलब अपने हिसाब से आपने जो सारी चीजें यहाँ पे देनी है। एकेडमिक बैकग्राउंड का बता देना है कि माय गोल इज टू अटेंड ए वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, ये वो, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता देना जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर आपने किया था तो आई डिड माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऑन दिस टॉपिक, जो भी आपका था उसका आपने बता देना है। स्टडी प्लान आपने चाइना आप आके क्या करेंगे ये चीज आपने उन प्रोफेसर को बतानी है, ठीक है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, आपने पीएचडी के लिखना है अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, अगर पीएचडी आप रिसर्च पर, मोस्टली मास्टर के लिए रिसर्च प्रपोजल ही चलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको कहेंगे कि रिसर्च प्रपोजल आप अपलोड करें, अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल ना भी हुआ एट दैट टाइम यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए हुआ तो फिर भी आप स्टडी प्लान अपलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। आप अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी कोई आपको यूनिवर्सिटी लगेगी भाई आपका ये स्टडी प्लान है, हमें रिसर्च प्रपोजल चाहिए, तब आप चेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ये नहीं कि आपकी रिजेक्शन हो जाएगी, इस तरह कोई सी नहीं होता। अब लाइफ टू अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ये आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि आप क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, ये आप सारी चीजें पढ़ लीजिएगा कि भाई आप क्यों आना चाहते हैं, आपको पता तो है आप क्यों जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, यहाँ पे लैब का जो एनवायरमेंट है, इनके चाइना का एनवायरमेंट, ये सारी चीजें वो बेहतरीन है, ये वो सारी चीजें, ओके। उसके बाद रीजन टू स्टडी इन चाइना, कि आपने क्यों रीजन, किस रीजन की वजह से आप स्टडी जो है चाइना में करना चाहते हैं, बाकी और कंट्री क्यों नहीं, वाई चाइना, ठीक है। अब काफी सारी चीजें हैं ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि भाई चाइना इज माय फाइनल डेस्टिनेशन, ये वो जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई आई चूज दिस यूनिवर्सिटी, मींस कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हमारी चिंगचू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जीजीयू में, तो आप क्यों ये यूनिवर्सिटी यूज कर रहे हैं, तो आपने उसमें बताना है कि भाई यूनिवर्सिटी ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, इस मेजर के हवाले से अच्छी यूनिवर्सिटी है, और इसमें लैब का और इसमें टीचर्स फैकल्टी ये वो आपने बता देना है कि ये जबरदस्त है, तो इस वजह से मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो मोटी मोटी चीजें आपने इन पर बता देनी है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी रिसर्चर है, यहाँ पे सेंट्रल साउथ का जिक्र है, ठीक है,
तो आप अगर सेंटर सॉल्व करना चाहते हो इसमें ये जिक्र दे सकते हैं, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी का नेम लाजमी लिखना है यहाँ पे एबीसी यूनिवर्सिटी, ये ना आप बिल्कुल सारे का सारा ऐसे ही कॉपी करके वहां पे दे डालें और यहाँ पे एबीसी यहाँ पे लिखा हो और यहाँ पे वो करके ये क्या, ठीक है। माई प्लान आफ्टर एमएस, आपने कहा क्या प्लान है आफ्टर एमएस, आई प्लान टू फाइंड जॉब प्रोफेसर रिसर्च इन पाकिस्तान इंसेंट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है पेड मोर, एंड ये आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। अगर आप कोई पीएचडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे आप दे दीजिएगा हवाला कि मैं आप पहले तो मैं पीएचडी की ट्राई करूंगा इधर, उसके बाद जो है अगर पीएचडी की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ना मिली किसी भी वजह से या मुझे किसी वजह से पाकिस्तान जाना पड़े तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करूंगा, जो मैंने आप चीजें यहाँ से सीखी होंगी वो मैं पाकिस्तान के जो वहाँ पे होंगे अपना अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी प्लान एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये भी सैंपल टू है एजुकेशन बैकग्राउंड में, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये भी आप दे दीजिएगा, ठीक है। प्रेफर्ड चाइना रीजन, प्रेफर्ड चाइना, ये भी आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें दो यूज कर सकते हैं, पहले वाला मुझे ज्यादा वो अच्छा लगता है, पहले वाला आप यूज कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट मेन चीज है रिसर्च प्रपोजल में जो मेन पॉइंट्स हैं, टॉपिक नेम, मीन्स कि यहाँ पे आपने टॉपिक नेम भी देना है प्रपोजल में कि आप किस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, सही है। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसका लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी एंड रेफरेंसेस, तो ये एक पूरा एक रिसर्च प्रपोजल बन जाता है कि आपका किस टॉपिक पे आप वर्क कर रहे हैं, जो आप कर रहे होंगे पीएचडी में जो अप्लाई कर रहे हैं मास्टर में, उनका रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश है, रिसर्च वर्क किया है, तो उनको ये सारी चीजें पता होंगी। लिटरेचर रिव्यू जैसे हमें अभी आके पता चली है कि लिटरेचर रिव्यू, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये वो, और मेथोडोलॉजी के कौन सा मेथोडोलॉजी आप यूज करेंगे वो वर्क करने के लिए। रिजल्ट एंड डिस्कशन, चलो उसको छोड़ दें, मेथोडोलॉजीज ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये सारी चीजें आप रिसर्च प्रपोजल में वो करेंगे। रिसर्च प्रपोजल तभी बनता है जब आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप टॉपिक हो, या आप उस टॉपिक पे ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, या आपके पास आइडिया हो कि इसमें वर्क करूंगा। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो फिर स्टडी प्लान ओके है, कोई इश्यू नहीं है। मास्टर के लिए स्टडी प्लान नहीं वो करता, पीएचडी वालों के लिए करता है रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। अगर पीएचडी वाले भी रिसर्च प्रपोजल की बजाय स्टडी प्लान कर दें कोई इशू नहीं है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज में बेहतर ये होता है कि रिसर्च प्रपोजल आप यूज करें। किसी दोस्त अब आपको पकड़े जो चाइना आ चुका हो, या कोई उस टीचर वगैरह की रहनुमाई हासिल करें, उनको बताएं कि भाई सर ये बता दें। अगर आपको फिर भी नहीं लगता, ये ना ये नहीं कि आप रिसर्च प्रपोजल की वजह से आप अप्लाई ही ना करें आपका एडमिशन, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके पास चांस है, आप कर सकते हैं स्टडी प्लान ही बना के अपलोड करने, कोई इशू नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो स्टडी प्लान की बेस पे ही यहाँ पे पीएचडी के लिए आए हैं, कोई इशू नहीं है, ओके हो गया। लेकिन कोशिश करें रिसर्च प्रपोजल हो, अगर ना हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदा मंद साबित हो। लास्ट ईयर में मैंने वीडियो बनाई थी इस पे, वो कैसे क्या वीडियो थी मैं खुद मुझे याद नहीं है कि कौन सी वीडियो इसके उसमें मैंने क्या कहा था, ठीक है। फॉर्मेट कहीं पहले भी गलत लिखे हुए हैं, चलिए इसको सेट कर देंगे। अच्छा ओके हो गया, तो वो आप वहां से लास्ट टाइम वाले सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे, तो वहां पे आप कर सकते हैं हाउ टू मेक स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल सीएससी गाइड ऑफिशियल। लास्ट ईयर एक 10 महीने पहले की गालिबन या साल पहले की वीडियो होगी, वो आप देख लीजिएगा कि क्या उसमें मैंने क्या कहा था। हो सकता है कुछ नई चीज उसमें, या वो ऐसी चीज जो उस वक्त भूला हुआ हूँ बताई हुई अभी भूला हुआ हूँ, तो इस तरह भी हो सकता है। ओके हो गया, नेक्स्ट ये अब 6 स्टेप तो हो गए खत्म, ऐसे समझे आधे से ज्यादा काम आपका डॉक्यूमेंटेशन का खत्म हो गया चाइना स्कॉलरशिप के लिए। 2-3 स्टेप और मजीद लगेंगे, या मैक्सिमम मैंने जैसे बोला था 4, 10 तक जाते जाते आप जब 10 क्लियर हो जाएंगे फिर आपको सारी चीजें A to Z समझ आ जाएंगी। अब इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे शायद हाँ एक आध वीडियो, एक दो वीडियो और हो, जबकि आपने प्रोफेसर कैसे फाइंड करने, हाउ टू फाइंड चाइनीज प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। तो वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो उसमें बनाऊंगा। उसके बाद जो जो वीडियो आती जाएगी नोटराइज डॉक्यूमेंट्स का मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नोटराइज डॉक्यूमेंट्स क्या है 9th स्टेप, उसके बाद सॉरी 7th स्टेप, 8th के हाउ टू फाइंड प्रोफेसर, उसके बाद एक दो स्टेप जो भी मेरे माइंड में आए, तो वो 10 स्टेप पूरे करके ताकि उस सारी चीजें उनमें सारी चीजें आपके कवर हो जाए, कोई क्वेश्चन रह ना जाए। जो रह जाएंगे डेली बेसिस के क्वेश्चन, जो जो आपके माइंड में आपके आपके एक्सपीरियंस होता जाएगा, क्वेश्चन आते जाएंगे, उसका इंशाल्लाह जो है हम क्वेश्चन एंड आंसर की जब सीरीज करेंगे तो वो सारी चीजें वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगी। जिंदगी बाकी साथ दिया आप अगर सेहत ने तो भाई हाजिर है, इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रहेगा, अल्लाह हाफिज़।